हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन का कुछ ट्रिक्स, एंड पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि अप्रोक्सीमेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है बहुत कम टाइम पे, जो एग्ज़ाम पे जो 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप मेरा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वो जो साइड में बेल का बटन होता है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो जो मैं डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे मैं हर दिन नए क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। DIB वहाँ पे आपको मिल जाएगा हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं छोटा छोटा चीज़ें बताऊँगा आपको। देखिए, पहले हमें तो अप्रोक्सीमेट मतलब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करना होता है, आसपास का उसे जस्ट ऑप्शन के हिसाब से जाना होता है कि उसमें से कौन सा आंसर इसके आंसर से बहुत क्लोज रहेगा, ये होता है। तो उससे जो पॉइंट कैलकुलेशन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले देख लीजिए कि ए बी कोई है नंबर 30, इसको मैं कुछ नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं पहले ये बता रहा हूँ कि इसको 0.2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 0.2, ये जो नंबर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, मैं 0.2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो 0.2 मतलब ये क्या होता है ना, ये 2/10 होता है। अब 30, कोई भी नंबर का 0.2 मतलब 2/10, पर कोई भी नंबर का पहले हम क्या करेंगे, 2/10 मतलब ये हो जाता है 1/10 का डबल। इस तरह से आपको ध्यान में लेना है। तो 0.2 मतलब 1/10 का डबल। तो 30 का 1/10 मतलब हमें कोई भी नंबर का 1/10 निकालना होता है, तो उस नंबर का लास्ट डिजिट से पहले यहाँ पे एक डेसिमल देना होता है, मतलब 3 हो गया 1/10, एंड उसका 2 टाइम्स मतलब 6, ये हो गया आपका 6। 0.2 का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे, 6, क्योंकि 0.2 मतलब 1/10 का डबल, तो 1/10 होता है 30 का 3.0, एंड 2 मतलब 6 हो गया। तो इस तरह से 0.3 होता, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं कि यहाँ पे 42, इसका 0.3। तो पहले तो हम 0.3 मतलब कितना होता है, इसका 1/10 मतलब कितना हो गया, 4.2, 1/10 हो गया 4.2, उसका 3 टाइम्स हो गया 0.3। तो 3 टाइम्स कितना होगा 4 का, लगभग पूरा देखेंगे तो ये 12.6 होगा, हमें मालूम है, पर हम जब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहां पे पूरा डिटेल्स में नहीं कैलकुलेट करना होता है। तो इसे 4.2 मतलब इसे हम 4 ही लेते हैं, तो 4 का 3 टाइम्स तो 12। तो इस तरह से 0.3, 0.2, 0.7 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसी चीज को हम कैसे करेंगे। तो पहले छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि वहां पे 29.96 कुछ नंबर है इस तरह के, एंड उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 12.01। तो नंबर बहुत छोटा सा है, आसान सा भी है, आप वो आराम से आंसर अभी 2 सेकंड में ही आपके माइंड में आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा। तो पहले हम तो मालूम है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये 29.96 है, मतलब इसको हम राउंड फिगर में उसका पास वाला नंबर जो होता है 30, राउंड फिगर में 30 ले आए, एंड ये 12.01 मतलब ये 12, तो जनरली इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे 360। तो हम 360 यहाँ पे बताते हैं, तो ये हो गया आंसर आपका पूरा करेक्ट आंसर। ये जनरली जनरल आइडिया होता है कि कोई भी नंबर को राउंड ऑफ लीजिए उसके पास ला, पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे 12.37 होता, तो यहाँ पे आंसर में क्या थोड़ा सा तो ज़्यादा आना चाहिए। अभी इसको तो हम 30 ले लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 12.37 मतलब हम 12 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 360, पर 0.3 यहाँ पे है तो क्या होगा, ये 0.3 को भी हमें ये 30 में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 30 का 0.3 कितना होगा, अभी हम बताए थे आपको, क्या देखना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। 30 का 1/10 होता है 3, तो 1/10 हो गया 3, 3 × 3 तो 9, तो ये हो गया 369। तो इसका आंसर कितना आ गया, 369 करेक्ट, जो बहुत ही एक्यूरेटली मैं कैलकुलेट किया हूँ, पूरा आंसर नहीं है फिर भी ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर मैं दिया हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा पहले राउंड फिगर में कैलकुलेट कर लीजिए, फिर बाद में जरूरत होगा तो हम पॉइंट में जाएंगे, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन 2 टाइप के आते हैं, एक तो होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं बहुत बड़े बड़े डिफरेंस में होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस में होते हैं, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा ऑप्शन तो वो हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, जितना क्लोज रहेंगे ऑप्शन उतना हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेट करना होता है क्लोजली।
तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो हम देख लेता हूँ लगभग हमें 360 ही दिखता ही है, फिर बाद में ऑप्शन में जब 360 होगा, 460 होगा कि 400 होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑप्शन इस तरह से रहेंगे। यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन जो रह गया, देखिए यहाँ पे एक 300 है और एक 360 है और एक 380 है और एक 400 है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑप्शन इस तरह का रहेंगे तो क्या होगा, 350, 360, 370, 380, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दो टाइप का ऑप्शन यहाँ पे होता है, तो एक देखा दिखा दोनों में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो एक में ज़्यादा डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, और एक में आपका हो गया 10-10 में डिफरेंस में। तो हम जब 360 बताएंगे तो दूसरे टाइप में जो ऑप्शन आता है तो वहाँ पे 360, 370 हो तो वहाँ पे 360 मार देंगे, गलत हो जाएगा, तो 370 आंसर होता है, क्योंकि 360 मतलब ये हो गया 370। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, जब 360 होता है, 460 होता है तो 360 लेंगे, पर 360, 370, 380 होता है तो 370 ही लेंगे। तो इस तरह का होता है, कभी कभी ये पॉइंट का भी जरूरत होता है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन से, तब ये उससे थोड़ा ज्यादा है, फिर भी आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले हमारे माइंड में क्या आएगा, ऑप्शन तो दो तरह के होते हैं, जो पहला ऑप्शन में आप दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एक है 520, एक है 530, एक है 850 और एक 900, इस तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा डिफरेंस है तो हम थोड़ा सा ही अप्रोचमेंट ले लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 24, इसको ले लेंगे 30, तो यहाँ पे जनरल आंसर आ गया 720। तो यहाँ पे देखें 720 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0.2 और मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे, तो जनरल आंसर 720। तो इससे फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ से आराम से आपको चूज करना है आंसर 730, हमारा 720 आ रहा है, हम जानते हैं कि 720 से ज्यादा होगा आंसर, तो ऑप्शन में जाएंगे तो 730 ही आंसर, ये डिफरेंस ज्यादा था ऑप्शन में तो आराम से हो गया। अब देखिए ये वाला दूसरा ऑप्शन, जब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 715 भी है, 725 है, 735 है, 745 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये आंसर ठीक नहीं आएगा, थोड़ा आगे जाना होगा और क्लोजली कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे 24 तो ले लिया, यहाँ पे 29.9 मतलब ये पूरा 30, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0.01 से बहुत कम, पर यहाँ पे जो 0.2 है देख लीजिए 24.21 था, मतलब ये 24 + 0.2, तो ये क्या है 24 + 0.2 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 24 को तो हम 30 में मल्टीप्लाई कर लिए 720 हो गया, पर 0.2 30 में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.2 30 का कितना होगा मैं बता दिया हूं, 0.2 मतलब 1/10 का डबल, 1/10 कितना होता है 3, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 726। तब हम ऑप्शन यहां से लेंगे तो कौन सा लेंगे, 725 लेंगे, हमारा 726 आ रहा है, पर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो कोई क्लोज हो रहा है 725, तो आंसर हो गया 725। तो इस तरह से ऑप्शन डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन लेना है, कितना क्लोज रहता है तो हम क्लोजली कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा डिफरेंस रहता है तो आराम से जनरल में ही ले लेंगे क्वेश्चन। तो पहला जो इजी वाला ऐसा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इजी कैसे होगा जब ऑप्शन का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहले 950, 1050, 1150, 1250, तो यहाँ पे दूरियां बहुत ज्यादा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे जनरली ही हम आंसर निकाल सकते हैं, तो 49.81 मतलब ये 50 ले लेंगे और इसे 21 ही ले लेंगे, तो इसका आंसर हो गया 21.5 = 105, 1050, तो 1050 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.2 लेस हो तो थोड़ा कम भी हो सकता है, तो ये 1050 के आसपास ही रहेगा। तो जब ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में 1050 के और पास कुछ नंबर्स नहीं है, कि 950 तो होगा ही नहीं, तो 1050 ही परफेक्ट आंसर है यहाँ पे, 1150 तो इतना ज़्यादा तो होगा नहीं, तो हो गया आंसर। ये जितना ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे डिफरेंस तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएंगे। पर अब देखिए ये हो गया दूसरा ऑप्शन, जब जितना क्लोज रहेगा आप ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1040, 1045, 1050, 1055, तो इस बार आंसर हम क्या देंगे, तो हमें थोड़ा और एक्यूरेटली कैलकुलेट करना होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने 50 ले लिया जबकि ये 49.81 है, तो मतलब मैं कितना ज़्यादा कर लिया हूँ यहाँ पे, मैं 0.2 ज़्यादा यहाँ पे ले लिया हूँ, तो इसका मतलब इस नंबर का 0.2 में ज्यादा कर लिया हूं, मतलब इस नंबर का 0.2 कम करना होगा, ठीक है 0.2 कम कर ही लेते,
तो बताइए 21.1 है, तो हम तो 21 लेते हैं, 21 का 0.2 कितना होगा? 21 का 0.2 मतलब 1/10 का डबल, 1/10 हो गया 2.1 मतलब 2, उसका 2 डबल 1 4, 4 माइनस कर लिए। अब इसमें देखिए ये जो 0.2 है, यहाँ पे भी एक 0.2 है, मैं यहाँ पे 21 लिया हूं, पर यहाँ पे और भी 0.2 है कि नहीं, तो ये वाला भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 0.2 50 है, कितना होता है 0.2 मतलब 1/10 का डबल, तो 1/10 कितना होता है यहाँ पे 5, 5 का डबल मतलब 10 हो गया, तो ये 10 जोड़ना है। यहाँ पे मैंने 0.2 ज्यादा लिया था इसलिए माइनस कर लिया, यहाँ पे 0.2 नहीं लिया था उसे ऐड करना है, तो उसका 0.2 किसका 49.81 का मतलब 50 का 0.2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10, तो ये हो गया 1060 माइनस 4 1056। तो इस बार हमारा आंसर 1056 है। तो ऑप्शन में कौन सा लेंगे? आराम से ले सकते हैं हम 1055, क्योंकि 1056 है वहां पे 55 ही ले लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से वही जा रहा है, ये हो गया। तो जब ऑप्शन क्लोज रहेंगे तो थोड़ा सा हमें ये 0.2 0.8 का भी कैलकुलेशन करना होता है। ये है क्वेश्चन हमारा, तो थोड़ा बड़ा है पर हम उसी तरह ही जाएंगे। तो पहले राउंड फिगर में चलते हैं कि राउंड ऑफ में कितना ले लेंगे, इसको 13.92 मतलब इसको ये ले लेंगे 14, और ये 30.11 मतलब 30, जनरली पहले इतना ही ले लेंगे। एंड इस तरफ होगा ये 23.1 मतलब 23 रहेगा, वहां पे वो हो जाएगा 15, हो गया। तो ये बहुत क्लोज है, तो इसे और कुछ चाहिए नहीं, 23.1 ज्यादा है, चाहेंगे तो बाद में 0.2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 0.1 कम है थोड़ा सा, यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे 0.1 कम है, वहां पे 0.2 ज्यादा है, तो इतना डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे जितना ज्यादा होगा उतना कम हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लिए इसको 420, और ये 15 × 23 कर लेना है, तो 15 × 20 हो गया 300, एंड 15 × 3 हो गया 45, 345। तो मल्टीप्लाई इस तरह से दिमाग में करना है, लिखना कुछ नहीं है, 23 मतलब 20 × 15 हो गया 300, 15 × 3 हो गया 45, 345, इसको जोड़ देते हैं 765, ये हो गया ऑप्शन, ऑप्शन से जाइए 765 के आसपास कोई भी नंबर होगा तो ले लीजिए। तो वहां पे हमारा ऑप्शन 760 है, 765 नहीं है, तो 760 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वही आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, हो गया इसका आंसर। बस आपको 20-30 सेकेंड का टाइम में हो सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से है आपका, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे, ये तो 24.5 है, यहाँ पे 16 है, तो किस किसको राउंड ऑफ करेंगे? देखो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, पर 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 25 कर लेते हैं तो बहुत आसान रहेगा हमारे लिए, तो मैं यहाँ पे 0.5 ज़्यादा किया हूँ, देख लीजिएगा, तो यहाँ पे मैं 16 ले रहा हूँ, पहले 16 ले रहा हूँ, फिर बाद में हम एडजस्ट करेंगे, इसका ये हो जाएगा 49, क्योंकि ये 50 के पास जाएगा, सॉरी इसको 50 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं इसको 9, तो इस तरह से राउंड ऑफ हो गया ये। अब आगे चलते हैं, तो ये जो होगा 25 × 16, ये आराम से आपको 400 माइंड दिमाग में आ गया, तो उसको भी थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे आगे, कैसे कर लेते हैं देख लेते हैं, यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हम क्लोजली जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 20-10 डिफरेंस में है, तो इसीलिए तो 25 × 400 हो गया, यहाँ पे मैंने 0.5 ज्यादा ले लिया हूँ, देख लीजिए 24.5 था, मैं 25 लिया हूँ, तो इसका मतलब मुझे इस नंबर का 0.5 कम करना होगा, क्योंकि मैं ज्यादा लिया हूँ, तो बताइए 0.5 16 का कितना होगा, 8 ही होगा, आधा, 0.5 × 16 कितना होता है, आधा मतलब 8, तो इसमें से माइनस 8 करना होगा, 392 हो गया इस तरफ, करेक्ट हो गया एडजस्टमेंट। और बताइए यहाँ पे 0.2 भी है, तो अभी मैंने यहाँ पे 16 लिया हूँ, तो इसका 0.2 मैंने ऐड नहीं किया हूँ, तो 0.2 अभी इस नंबर का भी ऐड करना होगा, तो 0.2 कितना होगा, 1/10 का डबल, तो 1.2 मतलब 1/10 हो गया 2.5 मतलब, और थोड़ा सा 5, इस तरह से हम जा रहे हैं, तो इसका हो गया, हम ऐड करेंगे 397 हो गया इस तरफ का आंसर। तो मैंने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया, यहाँ पे जो मैंने ज्यादा ले लिया था कम कर लिया, जहाँ पे कम लिया था थोड़ा ज्यादा कर लिया। अब इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया 450 15 × 9 का, पर यहाँ पे मैंने 48.8 को 50 लिया हूँ, मतलब मैं कितना ज्यादा लिया हूँ, 1.2 ज्यादा ले लिया हूँ, तो इस नंबर का 1.2 मुझे अभी माइनस करना होगा, 1.2 मतलब कितना होता है, ये 9 है, 9 इन ये 9 इंटू 1 पॉइंट मतलब 10.8 मतलब 10 ले लीजिए, तो ये हो गया इस तरफ
440, इस तरफ 440, ये 397, मतलब आंसर हो गया -43। सो -43 हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो ऑप्शन में चलिए, आपको 20, 40, 60 में कौन सा लेंगे, 43 आ रहा है वहां पे 40 है तो 40 ही लेंगे, तो आंसर हो गया 40 ऑप्शन, हमारा 43 आ रहा है। पर ऑप्शन में जाएंगे तो वही आसपास, हम पूरा एग्जैक्ट फिगर तो नहीं निकालेंगे जो ऑप्शन में होगा, उसी के आसपास नंबर निकालेंगे, तो 43 आ रहा है मतलब आंसर होगा -40 हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है, पहले राउंड अप में कीजिएगा, थोड़ा बाद में जो पॉइंट का मैंने जैसे बताया उस तरह से थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है, जहां पे ज्यादा ले रहे हैं तो कम करना होगा, जहां पे कम ले रहे हैं थोड़ा ज्यादा करना होगा। तो ये हो गया इस तरफ का, आपको उस बेसिक आइडिया आ गया होगा।